पकड़ा है भाई, चंगा चंगा जीतते हैं मेरा। उसे पूछ हाल पीछे बाहर आने बाहर आने उधर बातों पे कर लिया भाई काबू। बंदे का बड़ा कैंट सी है ही पूरा तगड़ा। ए कोबरा नो भी अठ गुना ज्यादा तगड़ा जहर हो गा लिया करेत के दंद इन्ने छोटे होंगे ये भी फड़ ले पड़ने डंग भी मारा उन्हें टप दे सब तो छोटे दंद ही ये होंगे रस्सी डैडी रस्सी दो गठ मार लो लाया ही माड़ा मोटा लाता है शुक्र है दिमाग पर जाओ बेटी डर का मालिक सो गया पता जी पता लग नहीं पता ही नहीं लग चलो तो दोस्तों रात का समय है तकरीबन 11:15 के आसपास का समय हो चुका है और हम इस सांप को ले आए हैं। आप एरिया देख सकते हो पहले तो साइड का एरिया, ये जो हैबिटेट है ये नेचुरली सांपों के लिए ही है क्योंकि सांप यदि ऐसे जंगलों में या भीड़ों में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, ये भी बात है। और अभी कुछ स्नेक रेस्क्यूअर ये भी बोलेंगे कि आपने इसको टोंग से रेस्क्यू क्यों कर रखा है, तो उन्हें भी मैं बता देना चाहता हूं कि हम जैसे शेल्टर हाउस चला रहे हैं तो हमारे सिर पर बहुत से जीव जंतुओं की जिम्मेवारी है। हम चाहते हैं वन्य जीव भी बचे और हम भी सेफ रहें, तो इस टोंग को हम उतना एक तो प्रेशर नहीं देते हैं कि बिल्कुल इसके ऑर्गन हिट कर दे या इसका जो स्केल है वो तोड़ दे।
दूसरा हमने इसकी टोंग को आगे से कॉटन लगाकर अंदर पट्टियां जो बैंडेज होती है सॉफ्ट वाली, वो सॉफ्ट बैंडेज से और ऊपर टेप लगा के इस तरह से इसको सॉफ्ट कर रखा है कि सिर्फ सांप को पकड़ा जाए ना कि उसको कुचला जाए, उसके ऑर्गन को हिट किया जाए। सो ये तो थी हमारे रेस्क्यू की बात। हम बात करते हैं अब इस सांप के बारे में। आप सांप को अच्छे से देख लीजिए, आपको मैं ये सांप अच्छी तरह दिखा देना चाहता हूँ। इस सांप को बोला जाता है द नाइट किलर, द साइलेंट किलर और कॉमन क्रेट। इस सांप की जो सबसे खास बात है वो यही है कि ये जो सांप है ये रात के समय में एक्टिव होते हैं। रात के समय में ये सांप अपने शिकार को ढूंढते हैं और इंसानों की बस्ती में यदि ये सांप चले जाते हैं तो इन्हें सांस पीने वाला सांप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सांप रात को आपके बिस्तर के बिल्कुल नज़दीक या बिल्कुल अंदर आपके बिस्तर में ये आकर सो जाएगा। यदि आपकी कोई भी थोड़ी बहुत हरकत होगी तो ये आपको डस लेगा। तो उससे क्या है, आपकी मतलब थोड़े ही समय में मृत्यु हो जाएगी। इसके जो सर्पदंश है, इसका जो बाइट है, वो एक मच्छर के काटने से भी कम होता है, जिस वजह से नींद में सोए हुए मनुष्य को ये भी नहीं पता लगता है कि उसे सांप ने काट लिया है। तो ये सबसे ज़्यादा बदनाम सांप भी इसलिए है क्योंकि ये जहाँ पर है वहाँ पर यदि इंसान है तो इसकी कोशिश यही रहती है कि जितने भी इंसान हैं उन सभी को डसा जाए। अभी जहाँ पर ये सांप निकला है आपने देखा होगा, उस घर में बिल्कुल नज़दीक सारी फैमिली के बिस्तर लगे हुए थे, चारपाई लगी हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। अभी ये बच्चा है, पूरा एडल्ट नहीं हुआ है, लेकिन वही है कि पॉइजन तो सांप के बच्चों में पैदाइशी होते हैं। तो ये थी इस सांप के बारे में जानकारी। अब हम इसे रिलीज़ कर रहे हैं, सो देखिए आप इसे रिलीज होता हुआ। तो हमारी कोशिश यही है कि ये सांप आसानी से, ये देखिए सड़क पर इसकी स्पीड क्या थी और कच्चे रास्ते में जाते इसकी स्पीड आपने नोटिस करी किस तरह से ये स्पीड से निकला और अब ये पहुंच गया है अपने इलाके में जहां पर ये शिकार करेगा, खाएगा पिएगा और जो किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे हैं उनसे उनकी फसल को बचाएगा। सो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनके लिए प्लीज़ आपकी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट यही चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर हमारे जो सोशल हैंडल्स हैं वो इस नाम से हैं, एनिमल्स बर्ड्स वेलफेयर, तीनों ही जगह पर आपका प्यार दिखाइए। बने रहिए हमारी टीम के साथ। जय हिंद।